हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल उपचार नुस्खे में। हम चैनल उपचार नुस्खे में डेली एक लेटेस्ट वीडियो अपलोड करते हैं। यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आज ही हमारे चैनल उपचार नुस्खे को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी जरूर क्लिक करें, जिससे आपको हमारे द्वारा अपलोड की गई सभी वीडियो सबसे पहले देखने को मिले। 23 जुलाई 2018 सोमवार, देवसैनी एकादशी, शुभ मुहूर्त व पूजा विधि। शास्त्रों में देवसैनी एकादशी को सबसे खास माना गया है। इस एकादशी के शुरू होते ही सभी तरह के शुभ कार्यों में विराम लग जाता है। अतः माना जाता है कि देवशनी एकादशी के दिन से देव उठनी एकादशी तक भगवान श्री हरि विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं, जिस कारण अगले 4 महीने तक हर तरह के शुभ कार्य वर्जित हो जाते हैं। इन 4 महीनों को चतुर्मास के नाम से जाना जाता है। इस महीने देवसैनी एकादशी, आषाढ़ शुक्ल एकादशी अर्थात 23 जुलाई सोमवार के दिन है। पुराणों के अनुसार एकादशी का व्रत जो भी व्यक्ति सच्चे मन से रखता है उनकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होती है और जाने अनजाने में हुए पापों से मुक्ति मिलती है। आज हम आपको देवसैनी एकादशी की पूजा विधि और शुभ मुहूर्त के बारे में बताएंगे। देवसैनी एकादशी का शुभ मुहूर्त, पारण का समय 24 जुलाई सुबह 5:41 से 8:24 तक। पारण के दिन द्वादशी तिथि समाप्त शाम 6:25 तक। एकादशी तिथि प्रारंभ 22 जुलाई दोपहर 2:47 से। एकादशी तिथि समाप्त 23 जुलाई शाम 4:23 तक। देवसैनी एकादशी पूजा विधि। देवसैनी एकादशी की शुरुआत दशमी तिथि की रात्रि से मानी जाती है। इस रात्रि को खाने में नमक का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए और अगली सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर दैनिक कार्यों से निवृत्त होकर व्रत का संकल्प करना चाहिए। अब भगवान श्री विष्णु का ध्यान करें व पूजा की तैयारी शुरू कर दें। सबसे पहले भगवान श्री विष्णु की प्रतिमा को आसन पर रखकर उनकी पूजा करें और रोली चावल से उनका तिलक करें। भगवान के सामने घी का दीपक जरूर जलाएं। वह जाने अनजाने जो भी पाप हुए हैं उनसे मुक्ति पाने की प्रार्थना करें। इसके बाद भगवान श्री विष्णु की आरती उतारें। द्वादशी तिथि को स्वयं स्नान करने के बाद भगवान विष्णु की आराधना करें और हो सके तो ब्राह्मण को भोजन करवाकर दक्षिणा सहित विदा करें। इस व्रत में भगवान विष्णु और पीपल की पूजा करना भी बहुत शुभ माना जाता है। इसके अलावा वे लोग जो इस दिन व्रत नहीं रखते हैं वे भी अपने भोजन में बैंगन, प्याज, लहसुन, चावल और बेसन से बनी चीजों का परहेज करें। दोस्तों, अगर आपको ये सभी जानकारियाँ पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल उपचार नुस्खे को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।